आज मैं आपको कीबोर्ड्स की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो काफी हेल्पफुल होगी आपको डेली लाइफ में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आप जो नीचे देख रहे हैं कीबोर्ड है, मतलब स्पेस बार है कीबोर्ड के अंदर, जिसमें इंग्लिश यूएस लिखा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक कीबोर्ड है। तो अगर हम कर्सर को मूव करना होता है, कर्सर मतलब ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है उसको हमें हटाना होता है इधर से उधर, तो टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए टॉप का टेक्स्ट मैंने डमी लिखा है तो यहाँ पे कभी कभी कर्सर नहीं आ पाता है, तो उसको कट करके दूसरा वर्ड लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये स्पेस बार जो देख रहे हैं, इससे स्पेस बार जिसपे इंग्लिश यूएस लिखा है इसको हम पकड़ के होल्ड करके देखिए, मैं कर्सर आसानी के साथ मूव कर रहा हूँ। मैंने कर्सर को होल्ड करके रखा है, मतलब स्पेस बार पकड़ के रखा है, इसकी वजह से मैं कर्सर आसानी के साथ मूव कर सकता हूँ, तो आप भी मूव आसानी के साथ कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक ये थी दोस्तों, ये जो राइट साइड में आप थ्री डॉट देख रहे हैं, तीन जो सर्कल बने हैं मतलब थ्री डॉट, उस पर आपको आके टिक करना है। टिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने एक विंडो खुला है जिसमें सर्च, ट्रांसलेट, टेक्स्ट एडिटिंग ये सब ऑप्शन है। मान लीजिए आपने बहुत सारा टेक्स्ट जो है टाइप करके रखा है, उसको आपको मूव करना है, तो टेक्स्ट एडिटिंग पे आया मैं। टेक्स्ट एडिटिंग पे आने के बाद ये देखिए आसानी के साथ मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट पे टिक किया मैंने, और आसानी के साथ आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये सेलेक्ट पे टिक करने के बाद आसानी के साथ आप इसको ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट को अभी अनसेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट पे क्लिक किया मैंने, ये आसानी के साथ सेलेक्ट हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट ऑल बटन है, इस पर भी आप टिक करके सेलेक्ट ऑल एक साथ कर सकते हैं। ट्रिक ये है दोस्तों ट्रांसलेट, आपने कोई चीज लिखा है उसको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आपको सिंपली आके ट्रांसलेट पे टिक करना है। तो यहाँ पे मैं इधर आके लिख दिया, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आई एम फाइन, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ट्रांसलेट पे आके टिक करूंगा, ट्रांसलेट पे किधर, जो बॉटम लेफ्ट में, बॉटम राइट साइड में एक ऑप्शन है, इस पे आके मैं टिक करूंगा। जैसे मैं टिक किया तो ये कन्वर्ट हो गया, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो ये ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर आर यू, वेर आर यू, और यहाँ पे लिखने के बाद ये बटन पे मैं टिक करूंगा बॉटम राइट में। जैसे मैं टिक किया आप कहाँ पर हो ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। ट्रिक है दोस्तों, ये जो आप बॉटम लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कीबोर्ड का साइज आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। इस पे आके मैंने टिक किया, टिक करने के बाद ये देखिए इसको यहाँ से अगर मुझे कीबोर्ड का साइज ये बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया, छोटा करना है तो छोटा कर दिया। आप जैसा चाहिए इसको वैसा कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, मैं डन किया, मुझे छोटा बड़ा नहीं करना है। अभी एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, मोड। मोड क्या होता है दोस्तों, इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी ये फिलहाल के लिए क्वार्टी कीपैड है, जो स्टैंडर्ड साइज का कीबोर्ड है हमारे सामने। आप चाहिए तो वन हैंड कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो को देखिए जैसे कि मैं राइट साइड में यूज करता हूँ, तो राइट साइड में मैं एक हाथ से, एक अंगूठे से इसको टाइप कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो एक और ट्रिक है दोस्तों मोड में, फ्लोटिंग कीबोर्ड। फ्लोटिंग कीबोर्ड क्या है दोस्तों, फ्लोटिंग कीबोर्ड पे मैंने आके टिक किया, तो ये देखिए मैं कीबोर्ड को कहीं पे भी रख सकता हूँ। अभी कहीं पे भी रखने के लिए मुझे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। कीबोर्ड को ये जो कीबोर्ड के नीचे, मतलब स्पेस बार के नीचे जहाँ ई एन यू एस लिखा है, उसके नीचे एक चीज घूम रही है, आप देख सकते हैं, उस पे टिक करके इसको मैं कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ कीबोर्ड को। उसको फ्लोटिंग कीबोर्ड बोलते हैं, मतलब इसको कहीं पे भी एडजस्ट करो और यहाँ से ही आप टाइप करो। ये देख रहे हैं जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ मैं, तो वापस आके मैं इसको स्टैंडर्ड मोड कर देता हूँ। ये स्टैंडर्ड मोड मैंने कर दिया, ऑटोमेटिकली कीबोर्ड आ गया। तो ये कुछ कीबोर्ड ट्रिक थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो जाते जाते आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे तो मुझे फॉलो कीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।